तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कुछ इस टाइप का HDR क्वालिटी के साथ फोटो एडिटिंग करने वाला हूं। तो सेम ऐसा एडिटिंग मैं आप लोग को भी सिखाने वाला हूं। तो करना क्या है, आप लोग को स्टार्टिंग से लेकर पूरा लास्ट तक हमारे वीडियो को फुल वॉच करना है, और उसके बाद 100% गारंटी के साथ आप लोग भी सेम ऐसा एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी कोई ऐसे एडिटिंग से रिलेटेड नए वीडियोस लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सिंपल फ़ोटो। सबसे पहले हम इस फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे और लेकर जाएंगे Lightroom एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, Lightroom एप्लीकेशन में आ जाने के बाद सिंपली आप लोग को नीचे की तरफ जो लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और फिर एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज करेंगे कुछ इतना तक, और कंट्रास्ट को कुछ इतना माइनस रखेंगे, और हाईलाइट को भी माइनस रखेंगे, शेडो को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, और वाइट्स को कुछ इतना लो रखेंगे, और ब्लैक्स को भी हल्का सा लो रखेंगे कुछ इतना तक। और बस इतना हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना मस्त तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है। तो बस इतना हो जाने के बाद यहाँ कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है लाइट टूल के बगल में, उस पर क्लिक करेंगे, और फिर ऊपर की तरफ जो मिक्स वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे, और ह्यू को हल्का सा डाउन की तरफ रखेंगे, और सेचुरेशन को कुछ इतना इंक्रीज कर लेंगे, और लुमिनेंस को भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे बस इतना तक। और बस इतना काम हो जाने के बाद यहाँ जो ऑरेंज कलर दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और सेचुरेशन को हल्का सा लो रखेंगे कुछ इतना, और लुमिनेंस को पूरा 100 कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना मस्त तरीके से एडिटिंग होगा, बस आप लोग देखते रहिए। और उसके बाद ये येल्लो वाला कलर है इस पर जाएंगे, इसका सेचुरेशन पूरा माइनस रहेगा और इसका ह्यू पूरा 100 रहेगा, और ग्रीन वाले का सेचुरेशन पूरा 100 और इसका सेचुरेशन पूरा माइनस रख लेंगे। फ्रेंड्स, बस इतना काम हो जाने के बाद हम इसको यहाँ से डन कर लेंगे, और फिर यहाँ नीचे की तरफ जो टेम्परेचर वाला दिख रहा है इसको हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, और उसके बाद टिंट को हल्का सा माइनस की तरफ रखेंगे, और वाइब्रेंस को कुछ इतना इंक्रीज कर लेंगे, और सेचुरेशन को -4 रखेंगे। और उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ जो ग्रेडिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाएंगे, और यहाँ 3 नंबर वाला है इस वाले पर जाएंगे, और यहाँ जो बीच में सर्कल पॉइंट दिख रहा है इसको हल्का सा ब्लू की तरफ रख लेंगे कुछ इतना तक। और उसके बाद यहाँ नीचे लुमिनेंस वाला है इसको हल्का सा इंक्रीज करेंगे, और ब्लेंडिंग को भी हल्का सा इंक्रीज करेंगे, और बैलेंस को भी हल्का सा इंक्रीज करेंगे कुछ इतना, और उसके बाद इसको यहाँ से डन कर लेंगे। और फिर यहाँ इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है कलर के बगल में, उस पर क्लिक करेंगे, और क्लियरिटी को कुछ इतना इंक्रीज कर लेंगे, और विग्नेट को हल्का सा माइनस की तरफ रखेंगे कुछ इतना तक। और उसके बाद यहाँ डिटेल्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इफेक्ट के बगल में, उस पर जाएंगे, और शार्पनिंग को कुछ इतना इंक्रीज करेंगे, और रेडियस को पूरा माइनस, और डिटेल्स को कुछ इतना इंक्रीज। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना मस्त तरीके से HDR क्वालिटी में हल्का सा एडिटिंग हुआ है। इतना काम हो जाने के बाद हम इस फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे और लेकर जाएंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, स्नैपसीड एप्लीकेशन में आ जाने के बाद सिंपली आप लोग को जो ये नीचे की तरफ टूल्स वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाएंगे, और यहाँ ट्यून इमेज है उस पर जाएंगे, और हल्का सा ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ एम्बियंस दिख रहा है इसको हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे कुछ इतना तक, और उसके बाद इसको यहाँ से डन कर लेंगे। और फिर यहाँ टूल्स वाले पर दोबारा से क्लिक करेंगे, और यहाँ सिलेक्टिव दिख रहा है 3 नंबर पे नीचे की तरफ 3 नंबर पे, इस पर क्लिक करेंगे, और इसको लाकर कुछ अपने फेस पे अच्छे से बैठा कर हल्का सा वाइड कर लेंगे, लाइटिंग दे देंगे। फ्रेंड्स, अच्छे से लाइटिंग देंगे तो इसको स्मूथ करने में भी मज़ा आएगा। चलिए इसको जल्दी से आप लोग भी लाइटिंग दे लीजिएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, बस इतना काम हो जाने के बाद इसको भी यहाँ से डन कर लेंगे, और उसके बाद हम इस फोटो को यहाँ से शेयर करेंगे और लेकर जाएंगे स्केचबुक एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, स्केचबुक एप्लीकेशन में आ जाने के बाद सिंपली आप लोग को ऊपर की तरफ जो पेंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर जाएंगे, और फिर यही वाला स्मूथ वाला ब्रश लेंगे, और इसका सेटिंग आप लोग देख सकते हैं, फ्लो को 3 रखेंगे और स्ट्रेंथ को 10 रख लेंगे। और उसके बाद अपने फेस को जूम करेंगे, और हल्के हल्के हाथों से फ्रेंड्स अच्छे से स्मूथ करेंगे। अगर आप लोग फेस को स्मूथ करना सीख जाते हो तो 100% गारंटी के साथ आप लोग पूरा फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे।
तो इसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है फ्रेंड्स। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर लीजिएगा, और यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को फास्ट कर लेते क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आप अच्छे से इसको स्मूथ भी कर सकें। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारा फेस कितना मस्त तरीके से स्मूथ हो चुका है। तो सेम ऐसे ही आप लोग भी अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा, और उसके बाद जो ऊपर की तरफ ये दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से शेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से सेव टू डिवाइस कर लेंगे, हमारा फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।